अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रिजवान कवी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CTB प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल स्टेट की दुनिया में मैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ ताकि आने वाले वक्त के लिए आप लोग बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए आज 3 बेस्ट ऑप्शंस बहरिया ऑर्चर्ड की लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जिनमें से अगर मैं पहली ऑप्शन की बात करूँगा तो वो आपको फुल पेमेंट पे अवेलेबल होगी, बाकी जो 2 ऑप्शंस होंगी वो आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड मिलेंगी। पहली ऑप्शन की बात करते हुए हम देखेंगे कि जो पहली ऑप्शन है वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 2 में OLCA ब्लॉक में मिलते हैं, जो कि कमर्शियल की डील है। रिसेंटली बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 2 में, कहने को तो फेज 2 है बट फेसिंग फेज 1 का सेंट्रल ब्लॉक लगता है इसको, वहाँ पर कमर्शियल की डील दी गई जिसमें 5 मरला कमर्शियल ओपन फॉर्म दिए गए। 50 से लेके 55 तक की नंबरिंग में इनकी अवेलेबिलिटी थी। इनमें लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप परचेस करके इन्वेस्टमेंट वहाँ करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँ अपने इन कमर्शियल्स की कि ये कमर्शियल्स आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्यों हैं, तो ये कमर्शियल्स आपको फेज 2 के OLCA ब्लॉक के फ्रंट पे आपको मिलते हैं, जो कि 200 फीट वाइड रोड पे हैं। प्लस अगर हम बात करें इनके लोकेशन की, तो इनकी लोकेशन जो एग्जैक्ट बनती है वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 1 जो ब्लॉक है सेंट्रल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बनती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए इसलिए भी फायदेमंद है कि ये आपको सेमी ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स मिलते हैं, प्लस ये ओपन फॉर्म्स में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आपको ट्रांसफ़र फ़ी जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन है, कि अगर आप कोई ऐसा कमर्शियल परचेज करते हैं जो ट्रांसफ़र फ़ी जिसमें आपको चार्ज होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 1 मिलियन पे करना पड़ता है। बट ओपन होने की वजह से इस पर आपको जो सिर्फ सबमिशन फ़ी लगेगी वो 51,000 है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ इन कमर्शियल्स की, तो ये कमर्शियल्स इस वक्त के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों समझे जा रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो फेज 1 का सेंट्रल ब्लॉक है, वहां पर आपको 5 मरला कमर्शियल्स की जो प्राइस है वो इस टाइम पे 32.5 मिलियन मिलती है। बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये कमर्शियल्स 200 फीट वाइड रोड पे आपको मिलेंगे, ओपन फॉर्म में इनकी आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी, और ये कमर्शियल्स जो यहां पर आपको जो इस टाइम लिमिटेड अवेलेबल हैं, इनकी प्राइस आपको 20 मिलियन से 23 मिलियन के राउंड अबाउट मिलेगी। जिसमें अगर हम बात करें इन कमर्शियल्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं, तो इसमें आपको एक ऑप्शन कॉर्नर की भी मिलती है। व्यूअर्स, इस तरह अगर हम इन कमर्शियल्स की बात करें कि जब आप इनको परचेज करते हैं तो एक्सपेक्टेडली 6 मंथ में आपको इनका पोजीशन भी मिल जाएगा। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, तो जब बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 1 में हम गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं, तो अंदर एंटर होते ही हमें राइट साइड पे ब्रॉडवे हाइट्स मिलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने में आती हैं, प्लस हमें वहाँ पर असलम सुपरमार्ट मिलता है। मज़ीद आगे जाएं हम OLCA की तरफ, जहाँ पर ये कमर्शियल्स हैं सेमी ऑन ग्राउंड, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, बिकॉज इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम फेज 1 के सेंट्रल को देखें तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं। इवन कि अगर आप बात करें बहरिया ऑर्चर्ड के सेंट्रल ब्लॉक की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिडेंस देखने में आती है। इसी तरह अगर हम बात करें OLCA की, जहाँ पर आपको ये सेमी ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको 1900 प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि कमर्शियल्स की ऑप्शंस आपको लिमिटेड मिलती हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अगर आप यहां पर आज की ऑप्शन अवेल करते हैं, जिसकी मैंने प्राइस भी आपको बताई और यह भी बताया कि ये ओपन फॉर्म है और सेमी ऑन ग्राउंड है, तो आने वाले वक्त में आपको ये फायदा होगा कि अगर ये कमर्शियल्स आप परचेज करते हैं तो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फायदा देंगे। व्यूअर्स, अगर मैं अपनी सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूं, तो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 1 के गेट नंबर 2 के ऑपोजिट बिल्कुल आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 मिलेगा। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में अंदर एंटर होते ही G1 ब्लॉक में पहले 8 नंबर की कमर्शियल में आपको टाइम स्केयर मॉल एंड रेजिडेंशिया अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये मॉल जो कि बेसमेंट प्लस 9th फ्लोर बनने जा रहा है, और यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जहाँ पर आप कमर्शियल शॉप्स को परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट बेस पे, अपार्टमेंट्स को परचेज कर सकते हैं, पेंट हाउसेज को परचेज कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है जहाँ पर जो कि आपको ओपन फॉर्म में मिलेगी, जिसमें फर्स्ट अलॉटी आप होंगे, यहाँ पर भी आपको कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो वो लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्टेड हैं बट वो कोई कमर्शियल प्लॉट फुल पेमेंट पे परचेज नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर कोई भी कमर्शियल शॉप परचेज कर सकते हैं, अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं, पेंट हाउस परचेज कर सकते हैं,
उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इनको परचेज कर सकते हैं। प्लस सेम वही कि वो फर्स्ट अलॉटी होंगे, ओपन फॉर्म अवेलेबल है जहां वो इन्वेस्टमेंट करके कोई भी शॉप, कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी पेंट हाउस बुक करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी तीसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूं तो वो भी आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेस फोर में मिलेगा। बहरिया ऑर्चर्ड के फेस फोर में ही आपको ऑर्चर्ड मॉल मिलेगा जिसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से जारी है और ऑलमोस्ट जिसका काम ज्यादा हो चुका है। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है, सेकंड फ्लोर का काम बड़ी तेजी से जारी है। अगर हम बात करें यहां पर कमर्शियल शॉप्स की तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं जो कि लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पर भी वो लोग जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं कमर्शियल शॉप्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अवेलेबिलिटीज मिलेंगी जहाँ पर आप कमर्शियल शॉप को बाय कर सकते हैं और ये बेहतरीन मौका है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं अपनी तीनों इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं कि अगर आप फुल पेमेंट पे कमर्शियल परचेज करना चाहते हैं जो कि पांच मला कमर्शियल्स हैं, लिमिटेड ऑप्शन हैं, बेहतरीन मौका है आपके लिए जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई ट्रांसफर फी नहीं है और सेमी ऑन ग्राउंड है तो आप उनको फुल पेमेंट पे परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास तब भी दो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें एक है टाइम स्केल मॉल एंड रेजिडेंशिया और दूसरा है ऑर्चर्ड मॉल जहां पर आप कमर्शियल शॉप्स को परचेज कर सकते हैं। वो लोग जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को लाइक करते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो टाइम स्केल मॉल एंड रेजिडेंशिया में कमर्शियल शॉप्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी वो लोग फर्स्ट लॉटी होंगे, उनको कोई ट्रांसफर फी नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स मैं समझता हूँ कि आज की ये मेरी तीनों ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में रियल स्टेट से रिलेटेड तमाम न्यूज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आपको इन ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अवेल करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।